किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। पागलपन, पागलपन एक गंभीर मस्तिष्क विकार है। एक पागल व्यक्ति सोचने, समझने और सामान्य इंसान की तरह निर्णय लेने में असमर्थ होता है। उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। यदि पागलपन अति गंभीर हो तो ऐसे व्यक्ति से समाज को खतरा तो है, वह स्वयं को भी चोट और हानि पहुंचा सकता है। इसलिए कई बार ऐसे व्यक्ति को पागल खाने में रखा जाता है, जहां उसके देखरेख के अलावा इलाज भी किए जाने के प्रयास होते हैं। चिकित्सित तौर पर पागलपन का उपचार आयुर्वेद में भी किया जाता है। पागलपन दूर करने के लिए इलाहाबादी मीठे अमरूद का 40 दिन लगातार सेवन किया जाए। 200 ग्राम दिन के भोजन के बाद 200 ग्राम शाम को 4 बजे। साथ में नमक, काली मिर्च एवं नींबू ले सकते हैं। 40 दिन प्रयोग करने से दिमाग की मांसपेशियों को ताकत पहुंचेगी, दिमाग की गर्मी निकल जाएगी, पागलपन दूर हो जाएगा और अमरूद खाने से मानसिक चिंता भी दूर हो जाती है। सफ़ेद फिटकरी को महीन पीसकर 2-2 ग्राम की 12 पुड़िया बना लें। सुबह के समय गाय की 250 ग्राम दही में एक पुड़िया मिलाकर खिला दें। औषधि सेवन के 1 घंटे बाद रोगी कम से कम 250 ग्राम या जितना अधिक गाय का मक्खन खा सके उसे खिलाएं। पागलपन धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।